लॉन्च की कितनी रील्स है। उसके बाद हमने आज करना था गूगल ट्रेंड, तो सबसे पहले अभी हम गूगल ट्रेंड का थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली गूगल ट्रेंड्स को अप्रोच कैसे करना है। उसकी कोई उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, उसकी कोई एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल नहीं होती लाइक जिस तरह जे एस एलियम या हमने वायरल की थी। इसका जो तरीकेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम उसको एक वेबसाइट है उसी के ऊपर जाकर हम उसको टेस्ट टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर जेएस के स्टैट्स पास हो जाते हैं तो हीलियम चेक करता है। हीलियम पे बेसिकली मैग्नेट का स्टैट चेक होता है जो सर्च वॉल्यूम है, वही मेन कीवर्ड का सारी कहानी के बाद आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। और फिर वायरल का कल मैंने बताया था, वही मेन कीवर्ड जाके amazon.com या .co.uk के ऊपर आपने लिखना है और जाकर सिर्फ वायरल चला देना है। और बाकी चीज़ें हमने उस टाइम पर देखी हैं कल के किस तरीके से इसको हमने टैकल किया और स्टैट्स को कैसे एनालाइज किया। उसके बाद हमने वही की मेन कीवर्ड जो हमने निकाला था स्टार्टिंग सेंट तक वही रहेगा, उसको हमने गूगल ट्रेंड्स पर पेस्ट करना है और फिर जो उसका ग्राफ है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, वो एनालाइज कैसे करना है वो हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं गूगल ट्रेंड्स को अप्रोच कैसे करना है। तो देखें, आप सिंपल इधर चले जाएं अपने गूगल में और लिख दें गूगल ट्रेंड्स यूके लिख दें, पहला ओपन करके देखते हैं लिंक। ठीक है, इसमें डिफरेंट भी हैं, जो जो मैंने ओपन किया जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपने एक तो वैसे ही करना। अच्छा, यहाँ पर आपने जो कंट्री है वो कर लें यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के बाद अगर आपने आइस क्यूब्स सर्च कर लें, हमारा मेन कीवर्ड यही था, हमने इसको सर्च कर लिया, इंटर प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने देखें इस तरह का कोई डेटा शो होगा। ठीक है, ये अब वो गूगल ट्रेंड का ग्राफ है, यूनाइटेड किंगडम ऑल ओके है। ये आपने पास्ट 12 मंथ से हटा के कर देना है लास्ट पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, कैटेगरी वेब सर्च को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, आप लोगों ने इसी चीज के ऊपर रहना है। अब सबसे पहले आपने जब आपके सामने ग्राफ आ जाएगा तो इस ग्राफ को आपने जो स्क्रीन शॉट लेना है, मेरे कर्सर को देखिएगा, यहाँ ये जो लाइन जा रही है यहाँ से आपने स्क्रीन शॉट लेना है और ग्राफ के एंड तक जिसके अंदर ये डेट्स शो हो रही हूँ, बाकी आइस क्यूब जो ये चीजें काट देनी है, ये नहीं आनी चाहिए फर्स्ट। दूसरा, ये मोबाइल के ऊपर गूगल ट्रेंड्स को ना चेक कीजिएगा, लैपटॉप या पीसी पर कीजिएगा। जब भी आप मोबाइल के ऊपर चेक करते हैं तो ग्राफ इतना अच्छा शो नहीं होता, एक्यूरेट शो नहीं होता, क्योंकि इसके पिक्सल्स कम होते हैं ग्राफ मोबाइल के एज कंपेयर टू पीसी और डिफरेंट और भी रीजंस। तो आप जो है इसी के ऊपर चेक कीजिएगा पहली चीज। दूसरी चीज के देखें, अब ये आपके सामने ग्राफ आ गया, इसको सिंपल आपने एनालाइज कैसे करना है कि भाई ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है। याद है मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडी है नहीं है ट्रेंडी, आपको गूगल ट्रेंड बताएगा नंबर वन। मैंने बताया था सीजनल है नहीं है सीजनल, आपको गूगल ट्रेंड बताएगा एट द एंड। वायरल बेशक कहता रहे टिपिकल है ये है, वो कॉन्फिडेंस तो दे सकता है लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि भाई ये चीज सीजनल है या नहीं। अच्छा, बेसिक वो कहते हैं रूल ऑफ थंब क्या है। रूल ऑफ थंब ये है कि ये जो ग्राफ है ये शुरू से लेके आखिर तक आज की डेट तक ये 25 से ऊपर होना चाहिए कंटिन्यूसली। अगर ये 25 से नीचे आता है तो समझ लीजिएगा कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, देखिए 100 एक टोटल मार्क्स है। हम कहते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट गूगल ट्रेंड्स में 25 नंबर लेती आई है शुरू से आखिर तक अब तक, तो इसका मतलब ये 5 सालों लास्ट 5 सालों में तो ये पास है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट 100 में से 25 नंबर भी नहीं ले सकती तो उसको तो फिर पास नहीं है ना, खुद सोच लो। अगर एक अब बेसिकली गूगल ट्रेंड्स आपको बताता है, मैं वापस चला जाता हूँ, गूगल ट्रेंड बेसिकली आपको बताता है कि इसका एक तो है ना, आपको मैग्नेट बताता है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। मैग्नेट क्या आपको बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, कि भाई कितने लोगों ने इसको सर्च किया है लास्ट 30 डेज में, ये आपको कौन बताता है, मैग्नेट ये बताता था ना सर्च वॉल्यूम। लेकिन गूगल ट्रेंड बेसिकली आपको एक चीज बताता है, यार आप लोगों को डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही यार, मरी
तो जो आपका है ना ये Helium-10, वो बेसिकली आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है ना मैग्नेट, लेकिन गूगल ट्रेंड आपको बता रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 5 सालों में यूनाइटेड किंगडम में लोगों ने इस कीवर्ड को कितने बार सर्च किया है। ठीक है, ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको बता रहा है गूगल ट्रेंड। तो अगर 100 में से 25 नंबर भी उसके नहीं है कि लोगों ने उसको सर्च किया है, 100 में से 25 भी नहीं ले रहा वो कंटिन्यूसली, तो प्रोडक्ट कैसे पास हो सकती है? आपको समझ आ रही है ना ये चीज, कि अगर गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है, इसका मतलब है लोगों ने इस कीवर्ड को ज्यादा सर्च नहीं किया हुआ। 100 में से 25 लोग भी इसको कंटिन्यूसली सर्च नहीं करते हैं। अगर यूनाइटेड किंगडम में 100 लोग थे तो 25 लोग भी नहीं उसको सर्च करते आए कंटिन्यूसली, तो फिर उसको करने का फायदा नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई, दूसरी चीज क्विकली आप लोग मुझे इसका आंसर दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्च वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट एंड द ग्राफ ऑफ द गूगल ट्रेंड। मैं क्यों कह रहा हूँ कि गूगल ट्रेंड ही आप यार, अगर उसने भी तो सर्च वॉल्यूम बता दिया ना बेटा, आपको मैग्नेट ने सर्च वॉल्यूम नहीं बताया, मैग्नेट ने पास किया है तो आप जाकर वायरल पर गए थे और फिर गूगल ट्रेंड पर आए हो, तो गूगल ट्रेंड पे वापस से सर्च वॉल्यूम क्यों चेक किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी? सर्च वॉल्यूम तो पीछे भी फाइंड आउट कर लिया था, क्या रीजन है? कॉन्सेप्ट जल्दी से अपने दिमाग में दोहराएं, एक सेकंड के अंदर, क्योंकि आप लोगों को सर, बहुत वीक लग रही है। कल भी मैंने क्वेश्चन किसी को कोई आंसर नहीं पता था, आज कम से कम पता होना। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर, हर टूल्स की जो है अलग अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, जिसकी बिहाफ पे जो है वो एनालाइज करता है। इसलिए गूगल ट्रेंड का सर्च वॉल्यूम का जो वर्किंग है बिहाफ पे वो अच्छी होगी, इसलिए इसको रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, सारे एक बात सुन लें। देखें, मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात की थी कि जो बात इन सेशंस के अंदर बोली जाएगी वो एक एक जुमला इम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज बोली है कि हम वो चीज यूज करेंगे जो एक्यूरेसी में 95% से ऊपर है। तो हम सर्च वॉल्यूम अगर हीलियम का यूज कर रहे हैं तो मैंने तो पहले बता दिया कि हम वो तब यूज करेंगे जब वो 95% से ऊपर रिजल्ट देगा। हम उसके बाकी फंक्शंस तो यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ सर्च वॉल्यूम ही देख रहे हैं। तो सर्च वॉल्यूम की एक्यूरेसी 95% से ऊपर ऑलरेडी है हीलियम की, अगर नहीं होती तो हम उसको यूज ही ना करते। मैं तो पहले बताता है ना कि हम वही फंक्शन यूज करेंगे, तो अगर हम वो यूज कर रहे हैं हीलियम का फंक्शन तो इसका मतलब है इसकी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी का कोई ताल्लुक नहीं है। एक कॉन्सेप्ट को समझे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या डिफरेंस है हीलियम-10 के सर्च वॉल्यूम में? बहुत मेजर डिफरेंस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है यार। आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा अपने माइंड को सर्च करें, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप सब देखें कि क्या फर्क है। ये जवाब आपको आना चाहिए यार, अगर आप लोग अमेज़न सीखने के लिए निकले हैं तो इतना तो दिमाग चला लो। और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई, आप लोगों की उंगलियां नहीं चली हुई, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत 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 बेहतरीन सा डिफरेंस है यार। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर सुनिएगा। इफ द एक्यूरेसी ऑफ द हीलियम-10 इज ग्रेटर देन 95%, देन वाई वी यूज गूगल ट्रेंड? और गूगल ट्रेंड की जो बात है वो हीलियम-10 की मैग्नेट से ऊपर क्यों वैल्यू रखती है? वो भी तो 95% एक्यूरेट है, ये भी 95% एक्यूरेट, तो ये इसकी बात क्यों ज्यादा वैल्यू रखती है एज कंपेयर टू सर्च वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट? ठीक है, मलाइका का पहला जवाब आया क्योंकि वो ये लास्ट 5 साल बता रहा है और वो लास्ट 30 डेज बता रहा है। दिस इज द हाफ आंसर, ये हाफ आंसर है। देखो, दिमाग को खोलो ना, वो लास्ट 30 दिन का बता रहा है, लास्ट 5 साल का बता रहा है। तो अगर ये 5 साल उस प्रोडक्ट को पास करवा रहा है, वो 30 दिन, 30 दिन तो अगले बदल भी सकते थे ना यार, या चलो अगले नहीं बदलेंगे, 6 महीने बाद वो 30 दिन बदल सकते थे, लेकिन ये तो लास्ट 5 साल की कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, तो इस पे ज्यादा बिलीव हो गया, हाफ आंसर ठीक हो गया। अगला हाफ क्या है वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इस टाइम पे अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या डिस्टेंस है।
नहीं पता चल रहा किसी को, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ यार। मुझे एक बात बताओ और सुनिएगा ज़्यादा, जब हम हीलियम 10 यूज करते हैं तो हीलियम 10 किस पर यूज होता है? हम लिखते हैं www.amazon.com, उस पर जाके हीलियम चला देते हैं। हम लिखते हैं www.amazon.co.uk, हम हीलियम चला देते हैं। हीलियम में जाकर हम मार्केट सेलेक्ट करते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम की मार्केट है और अमेजोन की मार्केट ओपन हुई है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जो आपको हीलियम 10 दे रहा है, हीलियम 10 किसका टूल है? जल्दी से जवाब दें यार, जल्दी से दिमाग खोल कर जवाब दें। हीलियम 10 किस किसका टूल है? ठीक हो गया, मलाइका ने फिर सही जवाब दिया है। यार जल्दी जल्दी जवाब दें, आप लोगों को ये नहीं पता हीलियम 10 किसका टूल है यार। आपको तो आधे सेकंड में इसका जवाब देना चाहिए। हीलियम 10 अमेज़न का टूल है, अमेज़न ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन जो गूगल ट्रेंड है ये किसी अमेज़न का ताबे नहीं है, ये किसी ईबे का ताबे नहीं है। ये हमें बता रहा है कि आइस पूरे यूनाइटेड किंगडम के, पूरे इंग्लैंड के अंदर जो आपका आइस क्यूब है वो लोगों ने कितना सर्च किया है। अब इसकी सर्च के अंदर सारे लोग आ जाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। जिन्होंने अमेजोन पे सर्च किया वो भी इस ग्राफ को शो कर रहे हैं, जिन्होंने ईबे पर सर्च किया वो भी शो कर रहे हैं, जिन्होंने वॉलमार्ट पर किया यूके के अंदर वो भी शो कर रहे हैं, जिन्होंने यूके की लोकल साइट्स के ऊपर इस कीवर्ड को सर्च किया वो भी शो कर रहे हैं, जिन्होंने यूके के अंदर बैठ के गूगल के ऊपर लिखा है इसकी वो भी शो हो रहा है। अब आपको अंदाजा हुआ है कि गूगल ट्रेंड कितना डीप चला गया है। तो ये सिर्फ अमेजोन की बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा कि अमेजोन के ऊपर लोगों ने आइस क्यूब कितना सर्च किया है, ये आपको बता रहा है पूरे यूनाइटेड किंगडम में लोगों ने कितना सर्च किया है लास्ट 5 सालों में। तो अगर आपकी प्रोडक्ट को गूगल ट्रेंड 25 से ऊपर लेकर जाता है और पास कर देता है, आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर आते हो, तो इसका मतलब बेटा ये है कि आपकी प्रोडक्ट किसी सूरत फेल होने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जरूरत है यूनाइटेड किंगडम के लोगों की। यहां पर सिर्फ अमेजोन का परचेसर नहीं बैठा कि वो सिर्फ अमेजोन से परचेसिंग करता हो, यहां पर वो कस्टमर भी बैठा है जो ईबे से करता है, वहां पे वो भी बैठा है जो लोकल साइट से करता है। अगर सब लोग मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है गूगल ट्रेंड, तो इसका मतलब है यार इस प्रोडक्ट ने बिकना ही बिकना है, क्योंकि ये लोगों की नीड है या लोगों की जरूरत है। अब आपको समझ लगी है कि क्या मेजर फर्क आया है, क्यों एज हासिल है गूगल ट्रेंड को आपके हीलियम 10 के सामने? क्योंकि हीलियम 10 एक स्पेसिफिक मार्केट का आपको टारगेट बता रहा है, जो स्पेसिफिक मार्केट है अमेजोन, उसको वो टारगेट करके बता रहा है कि अमेजोन के ऊपर आइस क्यूब्स लोगों ने कितना सर्च किया है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोगों ने इसको यहाँ सर्च किया, ये सारा बता रहा है हीलियम 10 का मैग्नेट। लेकिन गूगल ट्रेंड आपको ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर के अंदर दिखा रहा है, तो इसीलिए ये मोर एक्यूरेट है, इसीलिए ये मोर हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं। होपफुली अब आपको चीजें समझ आई होंगी, और ये चीज भी समझ आ गई होगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 25 से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर 100 में से 25 नंबर भी कंटिन्यूसली आपने नहीं लिए तो आप तो फेल। तो 2-3 दफा का चांस होता है यार, 5 साल है बहुत बड़ा टाइम है, हम कह सकते हैं कि 2-3 वक्त ऐसा आया कि वो नीचे चली गई 25, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये ग्राफ है ये देख रहे हैं, ये तो राय नीचे है। अच्छा, रहने के बाद आपको एक और चीज समझाता हूं कि कुछ चीजें आती हैं, कुछ टाइम आते हैं जिसमें ये बहुत पीक पर जाता है, लेकिन आपने इसको कंसीडर नहीं करना, हमने कंटिन्यूअसली ग्राफ को कंसीडर करना। हम लक पर तो नहीं चल रहे ना कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, मतलब एक साल में एक दफा चल गया तो इतना चलेगा वरना फिर 1.5 साल थली जाएगा, ये तो नहीं करना ना हमने। तो हमने वो वाली प्रोडक्ट चूज करनी होती है जिसका ग्राफ बड़ा इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और लोग उसको कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हो। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, और मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर कुछ चीजें और बताता हूँ, कुछ एग्जांपल और गूगल ट्रेंड्स बताते हैं और कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है,
बाकी जो मैंने आपको बताया था वो जो एक क्वेश्चन है सीपीआर और रिव्यूज का, वो उसकी डिस्कशन अभी हम करेंगे, लेकिन उसमें मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा। इसलिए रिकॉर्डिंग रोक दूंगा क्योंकि डेफिनेटली आप लोग एक पेड कोर्स लेकर हमारे पास आए, तो डेफिनेटली आपको उन लोगों से ऐज होना चाहिए जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, और डेफिनेटली ऐज होता भी है क्योंकि उनके पास कोई मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं होती। आप दिन में 10 सवाल मुझसे करते होंगे और वो शायद एक भी नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ना ये उनको आपको ऐज तो है ही है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके जो आप सिर्फ आप लोगों के पास ही होने चाहिए। अच्छा, ये गूगल ट्रेंड की सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने बार बार आपको सिखाई बताई है अभी, और मैंने इसकी ये भी बता दिया कि एक्यूरेट कितना है, ये भी बता दिया कि इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है। ये एक एग्जाम्पल है, देखें इट्स अ गुड एग्जाम्पल और बैड एग्जाम्पल, आप लोग बताएं ये गुड गूगल ट्रेंड है या बैड गूगल ट्रेंड। अच्छा, ये अच्छा गूगल ट्रेंड नहीं है, उसकी वजूहत पे मैंने आपको बताया कि बार बार 25 से नीचे आ रहा है, बेशक ऊपर जाता है लेकिन एक्यूरेट तो नहीं है ना। मैं 2 महीने ऊपर जाता है, 2 महीने नीचे आता है, 2 महीने ऊपर जाता है, इसका मतलब है इसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। नंबर टू पर चलते हैं, दूसरी एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये एग्जाम्पल बताएं गुड है या बैड है। पहला सवाल ये आपका कॉन्सेप्ट अब देख रहा हूँ ना, गुड है या बैड है? अच्छा, अगर ये बैड है तो मुझे आप लोग एक बात बताएं यार, वाकई ये बैड थी लेकिन एकदम से ये यहाँ पर कैसे चलेगी कि इसने 100 के फिगर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। आपके ख्याल में ऐसा ट्रेंड देखने के बाद, सीजनल नहीं है मलाइका, सीजनल नहीं है, सीजनल इज, ये सीजनल नहीं है। देखिए कोई सीजन 1 महीने में खत्म नहीं होता, 2 महीने में भी खत्म नहीं होता, सीजनल होना चाहिए कि यार वो कम से कम 3-4 महीने की कंटिन्यूसली सेल तो देता हो ना। ये तो बार बार नीचे जाता है, 2 महीने ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और बिल्कुल ही नीचे चला जाता है। देखें बॉटम लाइन को टच कर रहा है, मतलब 9 सेल्स के करीब, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इसने 100 को टच कर दिया। जब एक ऐसा ट्रेंड आपके सामने आए और कल को आपको इंटरव्यूज में पूछा जाए या कोई एजेंसी आपसे इंटरव्यू लेते वक्त पूछे कि ऐसा ट्रेंड रख कर कि यार आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है, तो आपको क्या लगना चाहिए कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मलाइका का जवाब बिल्कुल ठीक है। देखें ये एक ऐसी चीज है कि देखें एकदम से ये 100 को टच कर गई। ये 100 को क्यों टच कर गई, क्योंकि जो है ना ये आपको पता होगा, जब कोरोना आया तो मेरा एक दोस्त था, उसने दराज में एक मेहरान गाड़ी खरीद ली थी, इतना पैसा उन्होंने कमाया क्योंकि लोग बाहर नहीं जाते थे। लेकिन फिर मास्क पर लगी पाबंदी, लोगों ने N95 चाइना से बनवा कर बेचना शुरू कर दिया, तो अमेजोन के ऊपर ये अलाउ था पहले मास्क बेचना, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं लेता था, तो लोगों ने बहुत बेचे और इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ऊपर चला गया और तबाकुन स्टेजेस के ऊपर चीज चली गई। लेकिन उसके बाद हीरा ट्रेंड ही नहीं है, देखें कॉन्सेप्ट को समझा करें, कहना बड़ा आसान है इट्स ट्रेंडी, अभी आप इसको जस्टिफाई करिएगा क्योंकि मैं आज कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे तो फायदा कोई नहीं है ना मेरा यहाँ पर बोलने का। Amazon इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिगर्स मुश्किल टाइम के ऊपर। देखिए अभी मैं अभी क्यों आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार कह रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ, हमारी कोई इन्वेंट्री 7 तारीख को पहुंचनी थी, वो नहीं पहुंच पा रही, 8 हो गई है, लड़के पैनिक करने शुरू हो गए हैं कि यार अहमद भाई हम क्लेम डालने लगे हैं, हम फलां करने लगे हैं, हम अली बाबा से, मेरी टीम के बंदे, अब मैं उनको कॉन्सेप्ट नहीं पीछे समझ, मुझे अभी उनके ऊपर बड़ा गुस्सा आती है कि आप कॉन्सेप्ट को समझा करें कि जब आपने सोर्सिंग किया तो पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाए कि उस कॉन्सेप्ट पे कितनी देर हो सकती है, कितना डिले लग सकता है, और क्लाइंट को आप सेटिस्फाई करें। अगर आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको आपको खुद नहीं पता चल रहा, आप पैनिक कर रहे हो मार्केट प्लेस में जाकर, तो आप क्लाइंट को क्या मुतमिन करोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इसके ऊपर ज्यादा लेकर आ रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। देखें अभी आपने ट्रेंडी क्या है, अभी हम आपका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आपने क्यों ट्रेंडी किया। अच्छा, एक तो ये कि N95 मास्क थे, ये बेसिकली उसका ट्रेंड है, तो हुआ ये था कि फिर ना अमेजोन ने ना, क्योंकि लोग 2 नंबर चीज बेचना शुरू हो गए दराज से भी अमेजोन, तो इन लोगों ने ना दराज और अमेजोन वगैरह ने ना इस पे लगा दी पाबंदी और बोला कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, लाइक वो किस मटेरियल से बना रहा है, किस कंपनी में बन रहे हैं, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसकी लाइफ टाइम क्या है, एक्सपायरी तो नहीं है, वो सारी चीजें कर कर आप भेजोगे तो बहुत सारी जो स्टोर थे ऑटोमेटिकली वो उन्होंने वो प्रोडक्ट रिमूव कर दी क्योंकि उनके पास ये चीजें तो थी नहीं, वो चाइना से बनवाते थे और भेज देते थे।
अब चाइना की कंपनी आपको डिटेल तो देने वाली नहीं है इतनी हाई डिटेल्स कि हम कैसे बनाते हैं, उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस, उसकी मशीनरी की पिक्चर्स कोई भी नहीं देता। तो ये एकदम से धड़ाम से नीचे आ गया, और फिर भी ये पिछले मार्जिन से ऊपर इसीलिए रहा है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने ये प्रोवाइड कर दिया, या मे बी पॉसिबल है चाइना के कुछ मैन्युफैक्चरर भी थे जो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने वो फिर उसको जारी रखा, इसीलिए ये चीज़ बढ़ती चली गई। अब हीरा जरा आप अपने कॉन्सेप्ट को जरा बता दें, रेट कर दें कि आपने इसको ट्रेंडी किस बेस के ऊपर कहा, ठीक है या गलत है वो बात की डिस्कशन है, आपने किस लिए कहा, आपने किस लिए कहा इसको ट्रेंडी? जल्दी से जस्टिफिकेशन दे दें, वाय आपने इसको क्यों ट्रेंडी कहा, या आप लोगों में से कोई अगर दिल में सोच रहा था या दिमाग में सोच रहा था भाई ये ट्रेंडी है तो किस बेसिस के ऊपर आप सोच रहे थे, जरा कोई बात नहीं, आपका ज्यादा जवाब गलत ही होगा ना, अभी कॉन्सेप्ट ठीक कर लें तो बेहतर है बजाय इसके कि कल को मार्केट में ठीक करते चले। सीजनल तो नहीं कह सकते, ट्रेंडी बेसिकली वो होता है कि ट्रेंड चलता है जो कुछ टाइम तक रहता है फिर खत्म हो जाता है, तो ये ट्रेंड चला था मास का, इसलिए हमारे दिमाग में भी यही आया था। अच्छा, आप सब लोगों के लिए पहले तो मैं एक बात को सीधा कर लूं, भाई मेरे ट्रेंडी का कतन मतलब ये नहीं है कि ये जो N95 है ये डिजास्टर है, ये डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, इसको आप ट्रेंडी कभी नहीं कहोगे, ये बात याद रखना। एक सेकेंड, जस्ट मुझे आप लॉजिकली थिंकिंग करके बताएं कि यार एक चीज प्रोडक्ट ये देख लें कहां पर है, बॉटम लाइन पे, यार ऐसा क्या दुनिया में आ गया भाई कि इतना बड़ा ट्रेंड चल पड़ा कि वो 0 से 100 पर चला गया, इसको डिजास्टर कहते हैं। ये जब इस तरह की कोई चीज आपके सामने आएगी ना तो आपको समझ जाना चाहिए नहीं भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड काम है, ये कोई डिजास्टर सिचुएशन के अंदर चीज निकली थी, लाइक 9/11 जब हुआ था आपको पता है स्टॉक मार्केट धड़म से नीचे गिर गई थी, अगर कोई स्टॉक 100 पर था ना 5 मिनट पहले तो 5 मिनट के बाद वो 0 पर आ गया था या 5 पर चला गया था, तो समझ आता है कि इतनी जल्दी स्टॉक कैसे गिर गए, वो डिजास्टर एक सिचुएशन थी। तो ये डिजास्टरिंग एक सिचुएशन है, ट्रेंड बेटा वो होता है जो एक साल के अंदर जिसको अमेज़न रेफर करता है कि जिस मतलब एक जिस तरह आप कह लें क्रिसमस ट्री, वो एक टाइम के ऊपर उसका साल में एक ट्रेंड आता है, कंटिन्यूसली आता रहता है, उसको हम ट्रेंडी कहते हैं कि यार कोई चीज या तो नई चीज इनोवेटिव कोई चीज निकली थी, लाइक आप कह लो बेब्लेड निकला था, फिजिट स्पिनर निकला था, उसका एक ट्रेंड था, वो समझ आती है ना एक चीज के यार एक चीज बनी थी वो 2-4 महीने तक 6 महीने तक साल तक 1.5 साल तक बड़ी अच्छी रही, उसके बाद वो नीचे चली गई, उसका एक ट्रेंड था। लेकिन ये नहीं हो सकता, सीजनल तो बिल्कुल ही होता है ना, सीजनल तो मैंने कहा कि वो सर्दी गर्मी को मिलाएगा, उसका भी अहमद भाई हेलो जी, ये ट्रेंड आप इसको फैशन में भी ले सकते हैं कि भाई जिसका फैशन हो कुछ अरसे के लिए फिर वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन ये चूंकि डिजास्टर है ये क्योंकि ये हमारी नीड में आ जाती है, ये चीज की हमारी मजबूरी थी ये चीज को खरीदता है, जो डिजास्टर की चीज है ना वो आपके या मेरे किसी काम की चीज नहीं होती, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर डिजास्टर में एक चीज ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी वो सिर्फ उसी टाइम बींग के लिए थी, वो उसके बाद वो नहीं ना चलने लगी है ना ऊपर जाने लगी है ना नीचे आने लगी है, समझ आ रही है ना, अब वो मास चल पड़े किसी को नहीं पता था कि चल जाएंगे, वो जिन्होंने फायदा ले लिया उन्होंने ले लिया, अब अगर आप मास्क बेचना शुरू करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, तो वो उसी फॉर द टाइम बीइंग होती है चीज, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखें जो आप कॉन्सेप्ट को समझें, जो एक प्रॉपर ट्रेंड का वर्ड है ना या ट्रेंडी प्रोडक्ट्स उनको कहा जाता है जो नई इनोवेटिव चीज निकलती है, या तो फिर साल में कोई इवेंट ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं कि 2-4 दिन या 1-1.5 महीना या 1.25 महीना वो चीज बहुत चलती है, इसको हम कहते हैं इसका ट्रेंड चलता है एक साल में, उसको सीजनल नहीं कहते, सीजनल डिफरेंट है ना, देखो सीजनल 3-4 महीने चलती है फिर नीचे जाती है, फिर 3-4 महीने चलती है फिर नीचे जाती है, वो कंटिन्यूसली सर्कल उसका रिपीट होता रहता है, लेकिन ट्रेंड वाली चीज हो सकता है 15 दिन चले, 15 दिन में सीजन तो नहीं बदल जाता ना यार, एक प्रोडक्ट 15 दिन चल रही है या 20 दिन चल रही है साल में, 25 दिन चल रही है, उसको आप ये तो नहीं कह सकते सीजनल है, भाई क्या सीजनल है, सर्दियों की चीज है, मान लिया सर्दियों की चीज है, सर्दियां जो 25 दिन चली जाती है, उस कॉन्सेप्ट को समझें कि सीजनल और ट्रेंडी का ग्राफ चेंज होता है, पहली चीज
और जो हिरा कह रही है ना कि आप कह रही है जो है ना मैंने रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, बिल्कुल आप बात को सही पकड़नी है कि यहाँ पर बैठ के ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशंस आप जितनी गलतियां कर सकते हैं कर लें, लेकिन किसी इंटरव्यू में किसी एजेंसी किसी गोरों के सामने बैठ के किसी क्लाइंट के सामने बैठ के आप लोगों ने रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलने। आप रॉन्ग वर्ड्स बोलोगे वो कहेगा यार इसको तो खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे साथ बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इन्होंने मेरा काम क्या करना है। इस चीज को बड़ा जोन सा है ना आपने ध्यान रखना है। अच्छा अब अगले पे चलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, इस तरह के भी ग्राफ्स निकलते हैं गूगल ट्रेंड्स। अब इस ग्राफ को देखकर आपको क्या लगता है, यह प्रोडक्ट अच्छी है नहीं अच्छी, ये क्या स्नैरियो, ये आपको गूगल ट्रेंड क्या शो कर? मेरे ख्याल से इस पर रिस्क लेना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए, इस पर रिस्क लेना चाहिए, मतलब कि इसको करना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये कम टाइम के लिए नीचे जा रही है, ज्यादातर ये ऊपर ही है। अच्छा मुस्तफा भाई है ना असल में, माशाल्लाह 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 ने इनको और तरक्की दे, ये बहुत बड़े कारोबारी बंदे के बेटे हैं, और इसीलिए जो है ना ये रिस्क लेना चाहिए, हम समझ सकते हैं मुस्तफा भाई, लेकिन ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है? तो कह रहा है रिस्क लेना चाहिए, लेकिन आप ग्राफ के बारे में बताएं कि ग्राफ आपको प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है, अच्छा है बुरा है पहले तो ये सोचें। कुछ शो कर रहा है, बड़ी अच्छी चीज शो कर रहा है, आप लोग दिमाग लगाएं, ग्राफ को जरा गौर से देखें, डेट्स को गौर से देखें, फिर ग्राफ को गौर से देखें। मतलब होल द ईयर ये प्रोडक्ट चल रही है ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपका और किसी का कोई पॉइंट होगा, अबू बकर अक्सा कोई किसी का, कि इस ग्राफ को देखकर उसके जहन में क्या आता है? बड़ा आसान सा ये ग्राफ तो सबसे आसान होता है, ये सीजनल तो नहीं, सीजनल तो नहीं है लेकिन ये चल रहा है, मतलब के सीजनल नहीं है लेकिन चल रही है, प्रोडक्ट चल रही है मतलब। अच्छा ठीक है, आप सबके जवाब आ गए। अब उसको मैं इसका प्रॉपर जवाब देता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। देखें सीजनल प्रोडक्ट पहली बात है क्या होती है, मैंने आपको रिपीट किया कि वो साल में एक टाइम पर पीक पर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, फिर अगले साल उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में वो पिछले साल ऊपर गई थी उसी मंथ्स में वो ऊपर जाती है, और फिर वापस अगले उन्हीं मंथ्स में जिसमें नीचे आई थी उन्हीं मंथ्स में वापस नीचे आ जाती है, ये कहते हैं सीजनल को। अब इस ग्राफ को देखिए, देखें ये प्रॉपर इस टाइम के ऊपर जाती है ऊपर, ठीक है, और एक सेम लूप बनाने के बाद नीचे आई और तकरीबन उन्हीं मंथ्स के अंदर ये वापस उसी फिगर को टच कर गई, ठीक है, जैसे वो वक्त गुजरता गया ये वापस तकरीबन उतना ही लूप बनाकर फिर नीचे आ गई। अब गर्मियां आ चुकी हैं, आप ये समझे यहां पर गर्मियां आ चुकी, उसके बाद ये वापस फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई, फिर उन्हीं मंथ्स में ऊपर गई फिर नीचे आई, समझ आ रही है आपको? सो ये हाँ ये शो करती है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है। अच्छा अब गौर से सुनिएगा, सीजनल में भी दो किस्में होती हैं, कौन सी किस्म होती है यार, एक किस्म होती है स्वेटर वाली, एक किस्म होती है सॉक्स वाली, कि वो इतनी सख्त सीजनल प्रोडक्ट होती है कि वो सर्दियों में बहुत टॉप पर जाती है और गर्मियों में बिल्कुल ही जीरो पर आ जाती है, लेकिन कुछ सीजनल ऐसी होती हैं कि वो सर्दियों में बहुत ज्यादा बिकती हैं लेकिन गर्मियों में उतनी नहीं बिकती लेकिन फिर भी बिकती रहती हैं, उतनी नहीं बिकती लेकिन बिकती रहती हैं, उनकी सेल्स में कमी आती है लेकिन वो सेल्स जनरेट जरूर करती रहती है। ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक ऐसी प्रोडक्ट को जिसमें सर्दियों में फर्ज कर लें ये बहुत ऊपर जाती है, गर्मियों में ये नीचे आती है लेकिन बॉटम लाइन को टच नहीं करती, फिर कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट करती रहती है, लेकिन ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, देखें अगर तो प्रोडक्ट आपकी सीजनल है लेकिन अपने वर्स्ट टाइम्स के अंदर जब उसका सीजन नहीं होता तब भी अगर वो 25 से ज्यादा नंबर ले रही है ना तो प्रोडक्ट पास है। देखें आपको तो सेल्स से गर्ज है ना, आपकी प्रोडक्ट सर्दियों में 75% सेल होती है, गर्मियों में 30% हो रही है लेकिन फिर भी हो तो रही है ना, पासिंग क्राइटेरिया से तो आज भी ऊपर ही है। अब आपको समझ लगा कॉन्सेप्ट?
तो सीजनल में भी दो किस्में होती हैं। जब आपके सामने ग्राफ निकलेगा ना, तो आपने देखना है अच्छा ये सीजनल है, नीचे चली गई फिर ऊपर आ गई, फिर लेकिन देखना है कि वो कितना नीचे जा रही है। कोई बात नहीं हीरा, खुलकर बोले, मैं फिर कह रहा हूं यहां गलतियां कर लें, आगे गलतियां ना कीजिएगा। आगे जब आपका ट्रेनिंग सेशन है फिर ये तो पार्ट ही गलतियों का है। आप लोग कोई हिप्स करके तो नहीं अमेजोन का निकले ना, अमेजोन बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं चाहता हूं आप गलतियां करें लेकिन कम से कम कुछ बोलें। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, आप लोग बहुत कम लोग जवाब देते हो, तो ऐसा लगता है कि यार आप लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं है या आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मुंह में आ रहा है बोलें। अच्छा मैं आपको क्यों ये बात मैंने इतनी डीप बताई कि सीजनल में भी दो तीन, यार हम एक प्रोडक्ट हंट कर रहे थे पिछले दिनों की बात है, और प्रोडक्ट चाहिए थे और उन्होंने रख ली, हमारे से क्लाइंट स्लिप हो गया, हमें प्रोडक्ट नहीं मिली, ठीक है, मैंने जिनको जिम्मेदारी दी थी उनसे स्लिप होगी, और बाद में उन्होंने मुझे ना एक प्रोडक्ट भेजी और मुझे कहती है सर मैंने उसको ना गूगल ट्रेंड पे रिजेक्ट कर दिया था, खुद ही मुझे दिखाए बगैर। वो गूगल ट्रेंड कह रहा था ये सीजनल है, लेकिन वो 30% से ऊपर ही था। तो मैं कह रहा था अल्लाह की बंदी बेशक सीजनल था, हमारे पासिंग क्राइटेरिया में तो फिर भी ऊपर था ना। तो वो गलतियां मार्केट में उनसे होगी जिनको उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर वो प्रोडक्ट मुझे दे देती तो ऑलमोस्ट 20,000 to 25,000 की मैं सेल करवा देता, बिल्कुल रेडी क्लाइंट बैठे हुए थे पास, लेकिन वो नहीं हो सका। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब उसके बाद आखिरी ग्राफ ये है, यह ग्राफ मैंने सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे आकर कहते हैं ओ अहमद भाई गूगल ट्रेंड कभी 25 से ऊपर भी जाता है कंटिन्यूसली, कोई ऐसी चीज भी होती है, हमें तो नहीं नजर आती। तो बेटा आती है नजर, ये देख रहे हैं। और ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये वो पहली प्रोडक्ट थी जिसको मैंने सेल आउट किया था, ये उसका ग्राफ ड्रीम्स 21 के लिए, जिसको मैंने मतलब अपने लोगों के लिए जिनके लिए भी मैंने सेल आउट किया था, जिन भी लोगों के लिए किया था उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढी थी और ये प्रोडक्ट मुझे ब्लैक बॉक्स ने आइडिया दिया था जब वो सेल, इसका गूगल ट्रेंड मैंने इधर लगाया था ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई होती हैं प्रोडक्ट्स। ये देख रहे हैं इसका ट्रेंड कितना बेहतरीन है, ये कह रहा है भाईजान पिछले 5 साल से वो हमेशा पास रही है, एक दफा भी वो नीचे रही है। मेरे ख्याल से इस पर तो खुल के पैसे लगाने चाहिए, आंखें बंद करके बंदा यकीन कर सकता है ना इसके जीएस के बाकी स्टैट्स पास होकर ही गूगल ट्रेंड तक पहुंचा है, इसका मतलब है जीएस ऑलरेडी पास कर चुका था। वैसे भी माशाल्लाह अहमद भाई तो लगा सकते हैं हंस के सफा भाई इंशाल्लाह। खैर ये आप ये सारा था, आपके सामने डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे, मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया, तो होपफुली आपको ये चीजें गूगल ट्रेंड समझ आया होगा, बड़ा आसान सा है। और ये जब आप गूगल ट्रेंड लिखते हैं ना, ये यार किधर चला गया, यूके के लिए, तो इसी तरह आप यहाँ पर आपने लिखना है अमेरिका के लिए गूगल ट्रेंड यूएसए, ठीक है, तो यूएसए के लिए अलादा है, यूएसए के लिए जाएंगे या तो फिर यहाँ पर वो कंट्री जहाँ हमने कहे पाकिस्तान था ना, यहाँ पर आप यूएसए कर लें तब भी आ जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम था, यूनाइटेड स्टेट्स है। इस पे आइस क्यूब सर्च करके देखते हैं भाई यहाँ के लोगों को वही कीवर्ड पसंद है या नहीं पसंद, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो लास्ट 5 साल का निकाल कर देखते हैं। आजा भाई देखें दोनों मार्केट में कितना डिफरेंस है, मजा आया देख के आप लोगों को, यही वो सर्चिंग की चीज है जो आप लोगों को मजा देगी यार। मतलब देखें दोनों मार्केट के अंदर, ये देखें यूके वालों का सेम कीवर्ड का, ये सेम कीवर्ड था ना आइस क्यूब्स एंड आइस क्यूब्स, ठीक है, देख लें कीवर्ड सेम है, मार्केट यूएसए वाले इस प्रोडक्ट को कितना ज्यादा पसंद करते हैं देख रहे, और यूके वाले क्या कर रहे हैं, ये हालत है इसकी। इसीलिए मार्केट ठीक सिलेक्ट करनी है और आप लोगों ने ठीक जो है ना वो वर्किंग करनी है। बाकी अगला लिंक भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर लेते हैं सीपीआर रैंकिंग के बारे में, सीपीआर रैंकिंग और उसका उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर हम करेंगे आगे, ठीक है। और अगले वीक से हमारी सोर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यार ये आखिरी वीक है हंटिंग का, चारों टूल्स हमने पढ़ लिए हैं, चारों टूल्स सीख लिए हैं, प्रोडक्ट मिलती है नहीं मिलती अगले हफ्ते तक प्रैक्टिस जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं टका के करनी है, क्योंकि आगे हम सोर्सिंग पे जाने लगे, ठीक है, वो अलग एक बला है, सोर्सिंग एक अलग बला है, ठीक है। अच्छा अहमद भाई जो आपने हमें जो एक प्रोडक्ट देखी थी वो जो सीजनल थी, तो उसका ग्राफ 5 साल के अंदर मतलब 2-3 दफा नीचे जा रहा था, क्या इस पर रिस्क लेना चाहिए कि नहीं?
दो तीन दफा चला जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं, ज्यादा ना जाए, बार बार ना जा रहा हो ना, दो तीन दफा तो हो सकता है चला जाए, कोई इशू। ठीक है, चलो मैं लिंक भेजता हूँ आज।